दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार नए वीडियो में। दोस्तों नेपाल और भारत के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है काफी पुराना है, उसका इतिहास लगभग 200 साल से ज्यादा पुराना है। लेकिन हालिया विवाद नेपाल की सरकार द्वारा जारी किए गए 100 रुपए के नोट को लेकर हुई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 100 रुपए के नोट को लेकर आखिर दो देश क्यों लड़ेंगे। दरअसल नेपाल ने जो 100 रुपए का नोट छापा, उस नोट में भारत के कुछ हिस्से को भी अपना हिस्सा बताकर दिखाया गया। भारत के ऐसे इलाके जिनको नेपाल के 100 रुपए के जो नोट है, जिनमें नेपाल का नक्शा है जिसमें दिखाया गया वो इलाका है, उनमें लिपुले, कालापानी और लिम्पिया धुरा जैसे स्थान है जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन 100 रुपए के नोट में जो नेपाल का नक्शा है इन तीन इलाकों को उसमें दिखाया गया है। आपने हालिया विवाद की जो वजह है उसको तो समझ लिया, चलिए आपको भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद का इतिहास है उसको बताते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की जो सरकार है, 3 मई को नेपाल का जो 100 रुपए का नोट है उसमें इस विवादित नक्शे को दर्शाया, जिसमें भारत के तीन महत्वपूर्ण हिस्से को अपना बताया गया। नेपाल ने कहा कि कैबिनेट ने 25 अप्रैल और 2 मई को चर्चा के बाद ही इस नक्शे को मंजूरी दी और पुराने नोटों के स्थान पर नए नोट को शामिल किया गया। आज से करीब 4 साल पहले यानी 2020 में नेपाल ने इस विवादित नक्शे को जारी किया था। हालांकि तब भी यह नक्शा विवाद की वजह बना था और भारत और नेपाल के बीच जो करवाहट थी वो बढ़ गई थी। एक बार फिर से ऐसे समय में नेपाल के साथ भारत का विवाद बढ़ गया है जब भारत में लोकसभा का चुनाव है। हालांकि नेपाल सरकार द्वारा इस फैसले के बाद कथित तौर पर नेपाल सरकार के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल के आर्थिक सलाहकार चिरंजीवी ने इस कदम की आलोचना करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि भारत की ओर से भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नेपाल सरकार का यह फैसला एक तरफा है और नेपाल सरकार के इस फैसले से जो जमीनी हकीकत है उस पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। रिपोर्ट की माने तो ये जो विवादित नक्शा है उसे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपीएल ओली के शासन के समय अपनाया गया था। तो आपने वर्तमान जान लिया, चलिए अब आपको इतिहास की तरफ लिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर जो मौजूदा विवाद है उसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल भारत और नेपाल एक दूसरे के साथ 1850 किलोमीटर की जो लंबी सीमा है वो साझा करते हैं। भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार और उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं वो नेपाल से लगती है। हालांकि इस वजह से दोनों देशों के बीच कुछ इलाकों को लेकर सीमा विवाद भी है। जब भारत विरोध का अभियान चलाकर सत्ता में आए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपीएल ओली सत्ता में आए और उन्होंने सत्ता में आते ही देश का नक्शा बदला। भारत को झटका देते हुए केपीएल ओली ने 2020 के जून के महीने में एक नया नक्शा जारी किया जिसमें भारत के तीन इलाकों पर अपना दावा किया। हालांकि इससे पहले 2019 में भारत की तरफ से भी एक नक्शा जारी किया गया था जिसमें काला पानी को उत्तराखंड के पिथौरगढ़ जिले का हिस्सा बताया गया था। नेपाल की ओर से तब भी आपत्ति जताई गई थी, तब भारत ने मतभेद को सुलझाने के लिए विदेश सचिव स्तर के वार्ता का आयोजन किया था। हालांकि इसके बाद विश्व में कोविड आ गया और ये जो बातचीत थी वो पूरी नहीं हो सकी। दरअसल भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है वो आज़ादी के पहले से है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर कैसा होगा इसका फैसला 1816 ईस्वी की सुगौली संधि के तहत हुआ। दरअसल ये जो संधि थी वो नेपाल और उस समय भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि में यह हुआ कि जो बॉर्डर पर एक काली नदी है उसको सीमा के रूप में माना गया। लेकिन बात यहाँ आकर फंसी कि जो काली नदी थी उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से निकलती है, इस स्थान को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दरअसल यह समझौता काली नदी के उद्गम के सटीक स्थान को परिभाषित करने में असफल रहा, मतलब कि यह पता नहीं लगाया जा सका कि जो काली नदी है उसका उद्गम कहाँ है। और पूरे विवाद की जो जड़ है वो यही है। दरअसल काली नदी के पूर्वी किनारे पर नेपाल है और काली नदी की जो धाराएं हैं वो उत्तराखंड के पिथौर जिले से होकर गुजरती है और काली नदी की वो जितनी भी धाराएं हैं उनका संगम काला पानी और लिम्पिया धुरा में होता है। हालांकि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई जो संधि थी उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन कई मुद्दों पर जो विवाद है वो बना रहा। नेपाल ने इस बात का भी विरोध किया कि जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहे थे तब भारतीय सेना विवादित इलाके पर अपना शिविर बनाकर रह रहे थे। विवाद के केंद्र में स्थित लिपुलेख 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ऊपरी हिमालय में नेपाल और चीन के साथ भारत की सीमा पर एक भूमि की पट्टी है। दरअसल 1950 में भारत और नेपाल के बीच मित्रता संधि, भारत और नेपाल के बीच जो अभी मौजूदा संबंध है उसका विशेष आधार है। जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी के एक्सपर्ट नविता श्रीकांत ने इस मुद्दे पर एक मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि नेपाल ने 100 रुपए के नोट में जिस विवादित नक्शे को दिखाया वो नक्शा 1 और 2 रुपए के नेपाल के जो पहले के सिक्के मौजूद है उस पर छपा है। नविता श्रीकांत ने मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि भारत को भी अपना रवैया बदलने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर नेपाल सरकार को भी सनसनीखेजता को दूर करना होगा और भारत के साथ संबंध
सुधारने पर ध्यान देना होगा। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने आपको भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है उसका वर्तमान बताया, इतिहास बताने की भी कोशिश की। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस में कुछ सुधार हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, अपना बहुत ख्याल रखिए और सोच समझ कर वोट करिए। जय हिंद।